सर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट मिले हुए हैं, इस पर क्या कहते हैं? जो कुछ कहा उन्होंने ठीक ही कहा, क्या गलत कहा? आप ही मानते हैं कि मिले हुए? हमें बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने माना तो हमने भी माना है, हमने देखा भी है, क्या गलत है इसमें? दूसरा सांसद जसकोर ने कहा है कि राजस्थान में महाराज जैसे हालात बनेंगे, लगता है आपको ऐसा पॉसिबल? महाराज की हालत तो महाराज वाले जाने, लेकिन राजस्थान में तो मूंग की पहले भी खाई है उन्होंने, फिर खाई ना फिर खा जाएंगे। और अभी राज्यसभा के चुनाव देख ही लिए, 126 से 126 के 26 वोट पड़े हैं, उन्हीं का वोट टूटा। और विरोध भी उस भाषा में करते हैं जैसे कोई अब क्या कहते हैं उसको, अशिष्ट भाषा होती है, उस भाषा में लोग विरोध करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि उस विरोध को छोड़ो और छोड़ करके इस तरह की बातें करना बंद करो, क्योंकि ये अब आने वाला वक्त में जो जिस तरीके के पिछली बार के आज के 3 साल पहले के 5 साल जो थे उनमें जिस तरीके से गुंडाई हर गुंडों को जो है पनाह दी गई और लोगों के प्लॉटों पर कब्जा किए गए, वो इन 3 सालों में तो हमने ठीक कर दिए, आइंदा भी ठीक कर देंगे। इसलिए गुंडों को नहीं पनपने देंगे हम किसी हालत में यहाँ पर। सर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट मिले हुए हैं, इस पर क्या कहते हैं? जो कुछ कहा उन्होंने ठीक ही कहा, क्या गलत कहा? क्या गलत कहा इसमें? आप ही मानते हैं कि मिले हुए? हमें बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने माना तो हमने भी माना है, हमने देखा भी है, क्या गलत है इसमें? दूसरा सांसद जसकोर ने कहा है कि राजस्थान में महाराज जैसे हालात बनेंगे, लगता है आपको ऐसा पॉसिबल? महाराज की हालत तो महाराज वाले जाने, लेकिन राजस्थान में तो मूंग की पहले भी खाई है उन्होंने, फिर खाई ना फिर खा जाएंगे। और अभी राज्यसभा के चुनाव देख ही लिए, 126 से 126 के 26 वोट पड़े हैं, उन्हीं का वोट टूटा। अब कई बार इस प्रकार की भी बातें आती है कि साहब मेरी संपत्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि साहब मेरी संपत्ति ये नहीं है वो नहीं है, सरकारी अतिक्रमण कर लिया वो कर लिया। तो भैया ये तो भैरव सिंह शेखावत भी दिखवा चुके मेरे तो सारे प्रॉपर्टी के कागजात 1995 में, जब मैंने भैरव सिंह जी के खिलाफ आरोप लगाया था नरपत सिंह जी राजवी के एक मामले में, उनके पिताजी के एक मामले में जब एक आरोप लगाया था तो भैरव सिंह जी ने भी मेरी सारी फाइलें मंगवा ली थी वहाँ पर, और 7 रोज तक खूब परीक्षण कर लिया था उसका, और परीक्षण करने के बाद में जो है वो बस्ते वापस लौटा दिए थे यहाँ नगर निगम में। तो कुछ मेरी संपत्ति के बारे में कुछ पूछना है तो नगर निगम से पूछ लो, UIT से पूछ लो भाई। लेकिन तुम्हारी चपर कनाती बातों का मैं जवाब देने के लिए तैयार नहीं। पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया मैंने, मेरे पास तो पट्टा ऑलरेडी मेरे पास है।